हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूस्टार एकेडमी। आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने देखा था कि सीएचएसएल 2019 जो अपना एग्जाम होगा, 18 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 19 में जो एग्जाम होगा उसकी उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। टीसीएस के द्वारा ये जारी किया गया है। अब देख सकते हैं टीसीएस कितना फास्ट हो गया। इसी के साथ में अभी आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एसएससी की तरफ से जो टीसीएस इसमें वेंडर जो हो गया है, अब उन्होंने जो सीपीओ को अपने एग्जाम होने वाला था उसकी एडमिट कार्ड से भी जारी कर दी। ये सिर्फ अभी दो रीजन्स की जारी की है, एमपी रीजन और सेंट्रल रीजन्स के लिए। तो अगर अगर आप एमपी रीजन से हैं या सेंट्रल रीजन से हैं तो आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। आपको एमपी रीजन से, अगर आप एमपी रीजन से, तो आपको सीधा अपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आपको इस बॉक्स में डालना है। अगर आप वो डालते हैं, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड की डेट आ जाएगी, आपका कब है या फिर आपको कब से आपको देना है। उसको आपको पता है 7 या 10 डेज के पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है। उससे पहले आपको जगह या डिसाइड वो बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अपनी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो अपना नेम, फादर्स नेम डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कर सकते हैं। इससे भी आपको आपको ये मिल जाएगा। ये सिर्फ एमपी रीजन के लिए था। जो आप अपनी एमपी की जो ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट है, जिसमें मैं बताया था, यहाँ पर इसमें है ssempr.org/index.php। इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो एडमिट कार्ड रहेगा सीपीओ का। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जो सेंट्रल रीजन के है, सेंट्रल रीजन में सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हैं तो अपने मतलब एग्जाम जो सेंट्रल सीपीओ का एग्जाम भरा है सेंट्रल रीजन से भरा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, और ये वेरिफिकेशन ह्यूमन जो जिसे अपन कैप्चा बोलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है, 6+1 करके यानी कि 7 आपको डालना है। इसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड उसके अंदर शो कर देगा। इसके अलावा या फिर अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप रोल नंबर डालिए, डेट डालिए, मंथ डालिए, ईयर डालिए, फिर उसके बाद में वेरीफिकेशन ह्यूमन जो डालना है वो आपको उस पर वो डाल के सर्च पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये खुल जाएगा। इसके अलावा इसमें भी सेम प्रोसेस एक और दिया हुआ है। अगर आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ही नहीं पता है तो फिर से आप वही कीजिएगा, नाम डालिए, फादर्स नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट, मंथ, ईयर डालने के बाद वेरीफाई ह्यूमन और सर्च पर क्लिक कर दीजिए, आपका खुल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है ये लिंक, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप जाके इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन आने वाले जो भी रीजन है उन सबकी भी मैं आपको नोटिफिकेशन बताता जाऊँगा, जैसे ही उनके जो एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो कोर्स के द्वारा। अगर आपने इसी टाइप की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। और